नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नए क्लास जिसमें दोस्तों एक और नया जिला दर्शन, दोस्तों नवीनतम जो गठित जिले हैं उनमें दोस्तों एक नया दर्शन जिला सीरीज की हम बात करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बालोतरा जो जिला है उसके बारे में। आज डिटेल से बात करने वाले हैं बालोतरा जिला का विस्तार, उसके कौन से जिले सीमा बनाते हैं, या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, या दोस्तों कितने जिलों से वो सीमा बनाता है, उसकी क्या भौगोलिक, क्या ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, क्या राजनीतिक विशेषताएं हैं, दोस्तों वर्तमान जो दोस्तों जिला है उसका कब गठन हुआ, इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज हम दोस्तों जिला दर्शन में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैप के आधार पर हम ये सारी क्लासेस पढ़ने वाले हैं, पूरा मैप के आधार पर होगा दोस्तों, इजीली आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल से एक ही क्लास में। दोस्तों अन्य कोई क्लास देखने की आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप रेगुलर अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे होंगे, और मैं आपके लिए निरंतर नित नई दोस्तों यहाँ पे जिला दर्शन की यहाँ पे सीरीज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों सभी जो 19 जिले नए बने हैं उनको यहाँ पे सीरीज में लेके आता रहता हूँ। दोस्तों इससे पूर्व वाली वीडियो में मैंने अनूपगढ़ जो जिला दर्शन है उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा की, यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास देखिए। और दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके और आपकी यहाँ पे एक भी क्लास मिस नहीं हो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले जिला दर्शन में बालोतरा जो जिला है उसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि, साथ ही इसके जो आंकड़े हैं सांख्यिकी आंकड़े दोस्तों वो भी हम आज लगभग डिटेल से यहाँ पे जानने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों बालोतरा जो जिला है, तो इससे पूर्व दोस्तों यहाँ पे हम राजस्थान का नवीन मैप देख लेते हैं जिसमें बालोतरा की स्थिति देखते हैं। दोस्तों ये राजस्थान का नवीन मैप है जिसमें हम बालोतरा की स्थिति देख पा रहे हैं, बालोतरा कहाँ पे है तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बालोतरा की यहाँ पे स्थिति हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको दोस्तों पेन से ड्रैग कर पा रहा हूँ, यहाँ पे बालोतरा की स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जालोर से टच करते हुए दोस्तों, यहाँ पे सांचोर से टच करते हुए दोस्तों, यहाँ पे बाड़मेर से सीमा बनाता है वो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे बालोतरा का कुछ इस प्रकार विस्तार है, जैसलमेर से सीमा बनाता हुआ जोधपुर ग्रामीण से दोस्तों यहाँ पे सीमा बनाता हुआ, यहाँ पे ये पूरा बालोतरा जिला है दोस्तों। बालोतरा जिला का विस्तार यहाँ पे हम जानेंगे, पहले हम राजस्थान का जो नवीनतम मैप है उसमें हम बालोतरा की स्थिति देख लिए कि कितने यहाँ पे इसके जिले सीमा बनाते हैं, तो बात करते हैं एक जैसलमेर से लेते हैं, जैसलमेर फिर बाड़मेर हो जाता है, फिर यहाँ पे सांचोर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, और फोर्थ नंबर जालोर की बात कर लेते हैं, फाइव नंबर दोस्तों पाली, और सिक्स नंबर तो जोधपुर दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे बालोतरा की बात करते हैं तो बालोतरा दोस्तों यहाँ पे नवीनतम जिला कौन सा है, बालोतरा जिला नवीन है जिसके दोस्तों यहाँ पे छह जिलों से क्या बनाता है, ये सीमा बनाता है दोस्तों। कितने जिलों से, छह जिलों से सीमा बनाता है, जिसमें कौन कौन से यहाँ पे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, सांचोर हो गया, जालोर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, और दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो गया, जैसलमेर हो गया। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों छह जिलों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यहाँ पे हमने मैप में इसकी पूरी विस्तार से यहाँ पे सीमा यहाँ पे हमने देख ली है। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी तहसीलें उपखंड जो बात है उनकी बात यहाँ पे करने वाले हैं कि बालोतरा जिला दोस्तों ये आधिकारिक मैप है, आधिकारिक मैप दोस्तों यहाँ पे आधिकारिक जो दोस्तों किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, ये वर्गीकरण दोस्तों यहाँ पे राजस्थान जो सरकार है, राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे, राजस्थान सरकार के द्वारा जिला बालोतरा से संबंधित दोस्तों ये मैप जारी किया गया, जिसमें दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं उपखंड कितने, यहाँ पे उपखंड चार है, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिंदरी। इसी में दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक उपखंड में दोस्तों यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, तो चार मतलब दो दो तहसीलें हैं, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल तहसीलों की संख्या कितनी हो जाती है, आठ तहसीलें हो जाती है, जिसमें बालोतरा में दोस्तों पचपदरा और कल्याणपुर हो जाता है। सिवाना की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिवाना में सिवाना और समदड़ी हो जाता है, बायतू में बात करते हैं बायतू और गीडा हो जाता है, और सिंदरी में दोस्तों यहाँ पे सिंदरी हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डबल नावों के दोस्तों यहाँ पे आठ नावों के दो चार छह और सात तहसीलें दोस्तों, कितनी तहसीलें यहाँ पे, सात तहसीलें हैं यहाँ पे दोस्तों। हमने इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो काउंट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, सात तहसीलें हैं। उपखंड कितने हैं, चार उपखंड और सात तहसीलें हैं दोस्तों। बात करते हैं पूर्व में दोस्तों हम सिवाना दुर्ग पढ़ते थे, सिवाना दुर्ग जो है दोस्तों यहाँ पे पढ़ते थे, कौन सा सिवाना दुर्ग, लेकिन दोस्तों ये पहले बाड़मेर में आता है, लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पे जिला बनने के बाद में बालोतरा, तो यहाँ पे दोस्तों अब सिवाना दुर्ग की हमारे पास लोकेशन कहाँ की आएगी दोस्तों, यहाँ पे जो बालोतरा की आएगी ना कि बाड़मेर की आएगी दोस्तों। इस प्रकार पहले पचपदरा रिफाइनरी बात करते थे दोस्तों, भारत सरकार HPCL का उपक्रम है पचपदरा रिफाइनरी, तो दोस्तों वो पहले बाड़मेर जिले में आती थी, लेकिन बालोतरा नवीन जिला बनने के कारण दोस्तों वर्तमान में ये किस में आती है,
बालोतरा जिले में आती है। इसी प्रकार दोस्तों इनके बारे में नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम आगे क्लासेस में दोस्तों। यह इस प्रकार की मैप आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मैप यहाँ पे दोस्तों बालोतरा की जो मैं यहाँ पे ड्रैग कर पा रहा हूँ, आप लोकेशन देख रहे हैं, बालोतरा कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों। इसकी आकृति के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आकृति कुछ इस प्रकार की, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सदृश आकृति दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कुछ इस ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे सदृश इसकी आकृति दिखाई देती है दोस्तों। किसके सदृश है? ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके सदृश इसकी क्या होती है? आकृति दिखाई पड़ती है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कॉर्पेंटर की खाड़ी, तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे नीचे मेलबोर्न वगैरह जो दोस्तों है, सिडनी मेलबोर्न, यहाँ पे पर्थ सिडनी मेलबोर्न है, उस प्रकार यहाँ पे उसी की तरह यहाँ पे स्थिति बालोतरा की यहाँ पे दिखाई देती है। बालोतरा दोस्तों सबसे यहाँ पे पश्चिम में स्थित है, पश्चिम लोकेशन इसकी हमने यहाँ पे देख लेगी दोस्तों। यहाँ पे क्या है इस बालोतरा की स्थिति, तो दक्षिणी पश्चिम दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी पश्चिम में बालोतरा की यहाँ पे स्थिति है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार यहाँ पे राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है इस प्रकार की रेखा, और यहाँ पे नॉर्थ से साउथ इस प्रकार यहाँ पे विभाजित करती है। तो राजस्थान तो बालोतरा की स्थिति दोस्तों कहाँ पे आती है? इस प्रकार यहाँ पे बालोतरा की स्थिति आती है, तो बालोतरा कहाँ पे है? दक्षिणी पश्चिम में दोस्तों बालोतरा की यहाँ पे स्थिति आती है। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं बालोतरा के बारे में दोस्तों। यहाँ पे बाड़मेर जिले से नवसर्जित होकर दोस्तों एक बालोतरा नवीन जिला बना है दोस्तों। किस जिले से सर्जित होके? बाड़मेर जिले से नवसर्जित होके, केवल दोस्तों यहाँ पे बाड़मेर जिले का विस्तार है, बाड़मेर जिले से बालोतरा जिले को नवीन जिला बनाया गया है। बात करते हैं 17 मार्च 2023 को इस जिले की क्या हो जाती है? अधिसूचना जारी हो जाती है दोस्तों, घोषणा हो जाती है दोस्तों, या बात कर सकते हैं इसकी अधिसूचना। अधिसूचना कब जारी हो जाती है? 17 मार्च 2023 को दोस्तों। ये अधिसूचना जिले के रूप में मान्यता दोस्तों यहाँ पे 4 अगस्त 2023 को जिले के रूप में मान्यता यहाँ पे इसको प्राप्त हो जाती है। या दोस्तों यहाँ पे जिला कब बनाया जाता है? जिला निर्माण, जिला निर्माण की बात कर लेते हैं, तो जिला निर्माण कब होता है? 4 अगस्त को यहाँ पे दोस्तों इसका जिला निर्माण होता है। 17 मार्च 2023 को यहाँ पे दोस्तों इसकी अधिसूचना जारी हो जाती है, कब? यह बात करते हैं घोषणा हो जाती है, और बात करते हैं 4 अगस्त 2023 को यहाँ पे जिला का जो जिला है दोस्तों उसका निर्माण कर दिया जाता है। और बालोतरा का स्थापना दिवस की बात करते हैं, तो 7 अगस्त 2023 को बालोतरा का स्थापना दिवस दोस्तों। सभी जो 19 जिले हैं, 19 जिले बने हैं दोस्तों, नवीन 19 जिले हैं सभी का दोस्तों यहाँ पे, नवीन 19 जिले सभी का स्थापना दिवस दोस्तों यहाँ पे 7 अगस्त को, क्योंकि एक ही दिन दोस्तों सभी जिलों का यहाँ पे स्थापना दिवस होता है। तो यहाँ पे 19 जिले उपनाम बात करते हैं, तो बाला की ढाणी भी कहा जाता है दोस्तों बालोतरा को। बालोतरा मतलब दोस्तों यहाँ पे बालोतरा, बाला की ढाणी और वस्त्र नगरी भी से कहा जाता है। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ये क्वेश्चन छप सकता है कि बाला की ढाणी किसे कहा जाता है, तो बालोतरा को दोस्तों बाला की ढाणी कहा जाता है, और साथ ही यहाँ पे वस्त्र नगरी भी बालोतरा को कहा जाता है। भाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे राजस्थानी भाषा का प्रभाव तो है ही है, साथ ही दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है, मारवाड़ी भाषा का प्रभाव और हिंदी भाषा का यहाँ पे प्रभाव देखा जाता है। राजस्थान है तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की सभी भाषाएं दोस्तों यहाँ पे देखी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे मारवाड़ी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। और दोस्तों मारवाड़ी भाषा सर्वाधिक क्षेत्र में, मारवाड़ी भाषा दोस्तों क्या क्या कह सकते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे मारवाड़ी है। बालोतरा का जो परिवहन कोड दोस्तों RJ32 दोस्तों बात कर सकते हैं, RTO जो कोड है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, RTO कोड कितना है दोस्तों? यहाँ पे 39, RJ39 यहाँ पे बालोतरा का परिवहन कोड है। बात करते हैं बालोतरा जिले का जिला कलेक्टर वर्तमान में दोस्तों नवीन जिला कलेक्टर या विशेष अधिकारी कौन है? किसे बनाया गया? राजेंद्र विजय दोस्तों है उसी यहाँ पे बालोतरा में नवीन जिला कलेक्टर, या बहुत बात कर सकते हैं नवीन जिला कलेक्टर या दोस्तों विशेष अधिकारी की बात कर लेते हैं, किसे बनाया गया है? राजेंद्र विजय को दोस्तों यहाँ पे बनाया गया। बालोतरा का परिवहन कोड की बात कर लेते हैं, RJ39 है। भाषा बात करते हैं राजस्थानी मारवाड़ी और हिंदी बाला की ढाणी इसका जो उपनाम है, या वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। स्थापना दिवस की दोस्तों 7 अगस्त 2023 को, जबकि अधिसूचना 17 मार्च 2023 को जारी की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बालोतरा कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे बालोतरा की स्थिति कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमें दिखाई देती होगी दोस्तों, यहाँ पे बालोतरा की इस प्रकार यहाँ पे। तो बात करते हैं बालोतरा के जिले की सीमा दोस्तों, कितने जिलों से? 6 जिलों से यहाँ पे बालोतरा जिले की सीमा स्पर्श करती है। और बालोतरा जिला दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में तो स्थित है ही है, साथ ही मुख्य रूप से यहाँ पे दोस्तों दक्षिणी और पश्चिमी भाग बोल सकते हैं इसको। कौन सा भाग बोलते हैं? दक्षिणी और पश्चिमी भाग बोल सकते हैं, क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। और बालोतरा जिले की जो दोस्तों सीमा कितने? 6 जिलों से यहाँ पे स्पर्श करती है, जिनमें जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, सांचौर हो गया, जालौर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर हो गया दोस्तों यहाँ पे
पाली जिले की कुछ सीमा यहाँ पे दोस्तों किससे लगती है, यहाँ पे बालोतरा से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पाली जिले की सीमा भी यहाँ पे यहाँ से देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे पाली जिले से टच होती है और जोधपुर दोस्तों पश्चिम से यहाँ पे, या बात कर सकते हैं जोधपुर ग्रामीण से इसकी सीमा लगती है। बालोतरा की संभागवार स्थिति देख लिए तो दोस्तों बालोतरा जोधपुर संभाग का क्या है, एक जिला बन गया है दोस्तों। पहले दोस्तों बाड़मेर जो जिला है उसका एक भाग था बालोतरा, लेकिन वर्तमान में दोस्तों नवीन जिला बनने के बाद में दोस्तों इसमें आ जाता है जोधपुर संभाग का ये भाग हो जाता है। मतलब कभी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जोधपुर संभाग बालोतरा को किस संभाग का भाग है, तो जोधपुर संभाग का भाग है। और जोधपुर संभाग में पूरा जोधपुर संभाग हम यहाँ पे देख लेते हैं, जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं जोधपुर आ जाता है, जोधपुर ग्रामीण आ जाता है, जोधपुर जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 6 जिले दोस्तों बालोतरा की सीमा बनाते हैं और 6 जिले दोस्तों जोधपुर संभाग में आते हैं। और बालोतरा जिले से दोस्तों यहाँ पे 7 तहसीलें, 7 बालोतरा जिले में कितनी तहसीलें हैं, 7 तहसीलें कौन कौन सी, अभी हमने यहाँ पे जो आधिकारिक मैप जो देखा था उसमें हमने देख लिया, और नेक्स्ट में भी हम जो 7 तहसीलें कौन कौन सी है उसके बारे में नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे। तो बालोतरा दोस्तों कितने दक्षिणी भाग में स्थित है, मुख्य रूप से पूछा जाता है दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। बालोतरा जिले की सीमा 6 जिलों से स्पर्श करती है, जिसमें जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली और जोधपुर पश्चिमी। दोस्तों संभाग वार स्थिति देख लेते हैं तो बालोतरा जोधपुर संभाग का यहाँ पे भाग हो जाता है। और जोधपुर संभाग में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं, तो जोधपुर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया और बालोतरा हो गया दोस्तों। इस प्रकार बालोतरा जिले दोस्तों यहाँ पे 7 तहसीलें, बालोतरा जिले में कितनी 7 तहसीलें हैं, कौन कौन सी तहसीलें हम यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, कौन कौन सी बालोतरा में तहसीलें हैं, तो बालोतरा में दोस्तों जो जिला है बालोतरा पूरी पूर्ण रूप से यहाँ पे 7 तहसीलें कौन कौन सी है, तो पचपदरा होगी, कल्याणपुर हो गया, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिणधरी दोस्तों यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे गीड़ा, बायतू मैप में आप देख सकते हो, इस प्रकार यहाँ पे मैप में यहाँ पे गीड़ा, बायतू दोस्तों, सिणधरी, बालोतरा, सिवाना और समदड़ी, कल्याणपुर और पचपदरा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे विस्तार दिया गया, यहाँ पे 7 क्या दोस्तों, यहाँ पे 7 तहसील, 7 बात कर सकते हैं, 7 तहसीलें हैं उनका यहाँ पे विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट में जो बालोतरा की विशेषता है वो देखते हैं हम, तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे गीड़ा, बायतू, सिणधरी, पचपदरा, सिवाना, कल्याणपुर और समदड़ी यहाँ पे दोस्तों इसकी तहसीलें दी गई है। बात करते हैं बालोतरा से, बाड़मेर से बालोतरा की दूरी लगभग दोस्तों 100 किलोमीटर के आसपास है, बालोतरा से बाड़मेर की दूरी 100 किलोमीटर, जोधपुर से बालोतरा की दूरी बात कर लेते हैं 105 किलोमीटर के लगभग दोस्तों, यहाँ पे लगभग की बात हो रही है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बालोतरा से बाड़मेर की दूरी बात करते हैं 100 किलोमीटर, जोधपुर से बालोतरा की दूरी बात करते हैं 105 किलोमीटर दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पे बालोतरा की संभागवार स्थिति, तो बालोतरा अभी हमने देखा कौन से संभाग में पड़ता है, तो यहाँ पे जोधपुर संभाग में पड़ता है, और जोधपुर संभाग के हमने जिलों के यहाँ पे चर्चा कर ली थी, कितने जिले पड़ते हैं दोस्तों, जोधपुर संभाग में 6 जिले पड़ते हैं। और यहाँ पे संभागवार स्थिति में बालोतरा की स्थिति दोस्तों यहाँ पे जोधपुर संभाग में आती है। बालोतरा राजस्थान का दोस्तों एक औद्योगिक क्षेत्र भी दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र इसलिए है दोस्तों यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पचपदरा रिफाइनरी स्थित है, और साथ ही यहाँ पे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है क्योंकि वस्त्र निर्माण का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं बालोतरा में दोस्तों, यहाँ पे पचपदरा में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का यहाँ पे निर्माणाधीन है दोस्तों। बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पे रिफाइनरी क्या है, निर्माणाधीन है, कहाँ पे दोस्तों, पचपदरा की बात हो रही है दोस्तों। और जो किस में पड़ता है दोस्तों, पहले ये किस में आता था, पचपदरा जो रिफाइनरी है, बात करते हैं यहाँ पे रिफाइनरी, पचपदरा रिफाइनरी पहले बाड़मेर जिले में आती थी, लेकिन अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पचपदरा रिफाइनरी कौन से जिले में विस्तारित है, तो बालोतरा जिले में विस्तारित है। बालोतरा से दोस्तों जालोर में जाते हैं तो 14 किलोमीटर यहाँ पे बालोतरा से जालोर की दूरी पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पे बालोतरा से जो जालोर की आसोत्रा जो गांव है, यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों, अब भारत का तीसरा मंदिर है दोस्तों। पहले मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे पुष्कर में है दोस्तों, तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है पहला, और दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर। और आसोत्रा दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, बालोतरा में, जो पहले दोस्तों बाड़मेर में पड़ता था। आसोत्रा दोस्तों पहले क्वेश्चन आता था कि आसोत्रा में दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कौन से जिले में पड़ता है, तो पहले बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों बात करते हैं बालोतरा में ये आता है दोस्तों, बालोतरा में आता है। और बालोतरा से दोस्तों बाड़मेर की बात कर लेते हैं, तो बालोतरा से बाड़मेर 11 किलोमीटर की ओर दोस्तों यहाँ पे भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम दोस्तों रणछोड़ राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया का दोस्तों ये पहला है जो मंदिर कौन सा है, रणछोड़ राय जी का मंदिर दोस्तों दुनिया में
इस प्रकार का पहला मंदिर है कौन सा? रणछोड़ राय मंदिर। और बालोतरा से दोस्तों बाड़मेर की ओर जाते हैं तो 11 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों बाड़मेर से, बालोतरा से बाड़मेर की ओर 11 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है, जो दोस्तों रणछोड़ दास मंदिर के, रणछोड़ राय मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और दुनिया का दोस्तों इस प्रकार का ये पहला मंदिर है, रणछोड़ राय मंदिर। दोस्तों इस प्रकार हमने संभागवार स्थिति देख ली। औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी स्थित है। और पचपदरा रिफाइनरी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, रिफाइनरी की बात करते हैं, रिफाइनरी किसका दोस्तों यहाँ पे? एचपीसीएल, एचपीसीएल। और राजस्थान दोस्तों, राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसकी क्या है? संयुक्त तो परियोजना है दोस्तों यहाँ पे, छिंतर अनुपात 24 दोस्तों यहाँ पे, छिंतर दोस्तों 74 दोस्तों यहाँ पे, 74:26 की बात हो रही है यहाँ पे, 74:26 की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें किसका विस्तार है यहाँ पे 74:26 में दोस्तों यहाँ पे, 74:26 दोस्तों एचपीसीएल का हिस्सा, जिसमें 74% है और 26% राजस्थान सरकार का हिस्सा है एचपीसीएल रिफाइनरी में दोस्तों। और एशिया की दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी रिफाइनरी है यहाँ पे, निर्माणाधीन है। नेक्स्ट में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे संत पीपा की दोस्तों यहाँ पे मंदिर भी है दोस्तों। 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि संत पीपा का मंदिर कहाँ पे है, तो पहले दोस्तों बाड़मेर जिले में पड़ता था, लेकिन अब समदड़ी जो बालोतरा है उसमें ये दोस्तों संत पीपा जी का मंदिर है। और बजरंग पशु मेला भी कहाँ है दोस्तों? सिंहदरी जो बालोतरा में है, सिंहदरी पहले बाड़मेर में पड़ता था दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे? बालोतरा में पड़ता है। और वहां पे दोस्तों बजरंग पशु मेले का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं संत पीपा जी का मंदिर, हमने देख लिया समदड़ी में है, बालोतरा शहर दोस्तों जोधपुर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे रेल और सड़क परिवहन दोस्तों, यहाँ पे रेल और बस परिवहन की सेवा से यहाँ पे क्या है? जुड़ा हुआ है दोस्तों, जोधपुर नजदीक ही है दोस्तों, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण से सीमा बनाता है किसे? बालोतरा से। तो यहाँ पे बात करते हैं ये रेल और बस सेवा के द्वारा यहाँ पे जोधपुर से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। साथ ही बात करते हैं बालोतरा के निकटतम जो हवाई अड्डा है दोस्तों कौन सा है? जोधपुर हवाई अड्डा बालोतरा के सबसे निकटतम है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तो बालोतरा के जसोल में दोस्तों, जसोल पहले दोस्तों यहाँ पे जसोल बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब जसोल दोस्तों किस में पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। और रानी भटियाणी जी का क्या है? मंदिर है। मतलब 100% दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला। कहते बाड़मेर के जो बालोतरा के जसोल में दोस्तों रानी भटियाणी का मंदिर है, आपसे क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों कि रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ पे है, तो उसमें बालोतरा और बाड़मेर दोनों ऑप्शन आएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बालोतरा आपका राइट आंसर होना चाहिए। और बालोतरा में दोस्तों यहाँ पे जैन मंदिर जो नाकोड़ा है वो भी दोस्तों कहाँ पे है? बालोतरा में ही है, जो पहले कहा दोस्तों बाड़मेर जिले में विस्तारित था। यहाँ पे दोस्तों रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध है बालोतरा, और बालोतरा की प्रिंट दोस्तों यहाँ पे अनोखी पहचान बनाती है। बात करते हैं अजरक प्रिंट यहाँ पे बालोतरा में, और मलिर प्रिंट दोनों कहाँ पे है दोस्तों? बालोतरा में ही स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अजरक प्रिंट कौन से जिले में स्थित है, मलिर प्रिंट कौन से है, तो बालोतरा में दोस्तों दोनों बालोतरा में स्थित है। साथ ही बात करते हैं पचपदरा जो झील है दोस्तों यहाँ पे, वो भी कहाँ है दोस्तों? बालोतरा में ही पड़ती है दोस्तों पंचभद्रा दोस्तों यहाँ पे, पंचभद्रा या पंचभद्रा जो झील है वो कहाँ पे? बालोतरा में पड़ती है। जो पूर्व में दोस्तों हम क्या पढ़ते आ रहे थे? बाड़मेर जिले में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब किस में है दोस्तों यहाँ पे? बालोतरा जिले में उसका विस्तार है, जिसमें खारवाल जाति के लोग दोस्तों यहाँ पे मोरली झाड़ी का उपयोग करके उत्तम श्रेणी के नमक के क्या बनाते हैं दोस्तों? स्फटिक बनाते हैं। बात करते हैं पेट्रोल रिफाइनरी की, तो पचपदरा जो रिफाइनरी है दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल रिफाइनरी। यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान सरकार और एचपीसीएल का क्या है दोस्तों? संयुक्त उपक्रम है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट की दोस्तों यहाँ पे 26% हिस्सेदारी है, और 74% हिस्सेदारी किसकी है? एचपीसीएल की। यहाँ पे 74% हिस्सेदारी है किसमें? पचपदरा रिफाइनरी में दोस्तों। पहले दोस्तों ये बाड़मेर जिले में विस्तारित था, लेकिन अब बालोतरा जिले में विस्तारित है। इसी प्रकार यहाँ पे पंचपदरा झील दोस्तों यहाँ पे सबसे राजस्थान की बात कर लेते हैं तो सबसे उत्तम श्रेणी का नमक कौन सी झील से? पचपदरा झील से उत्पादन किया जाता है, जिसमें खारवाल जाती है दोस्तों यहाँ पे उत्तम श्रेणी के नमक का उत्पादन करते हैं, किससे यहाँ पे दोस्तों? मोरली झाड़ी के उपयोग से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित हो जाता है दोस्तों बाड़मेर जिले के, दोस्तों यहाँ पे बाड़मेर जिले में होता था, तिलवाड़ा गांव में दोस्तों साल में पशु का मेले का आयोजन किया जाता है, और लूणी नदी के दोस्तों यहाँ पे किनारे स्थित है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। बात करते हैं यहाँ पे 15 दिनों में लगता है, और स्थानीय लोग दोस्तों बाहरी लोगों के लिए यहाँ पे आयोजन किया जाता है पशु मेले दोस्तों यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे पार्श्वनाथ जो टेम्पल है यहाँ पे, नाकोड़ा जो मंदिर है यहाँ पे, पार्श्वनाथ जी का मंदिर नाकोड़ा के अंदर है वो दोस्तों, उसी की बात कर लेते हैं तो वो कहाँ पे है दोस्तों? बालोतरा में इसका विस्तार है। बालोतरा में क्या है? इसका विस्तार है नाकोड़ा जो पार्श्वनाथ जैन टेम्पल है। बात करते हैं 15वीं शताब्दी को पुनर्निर्मित, और भगवान पार्श्वनाथ मंदिर पहले भगवान महावीर जी का मंदिर था 1300
ईस्वी में भगवान महावीर जी की 120 मूर्तियों को वहाँ पे काली ग्रह से क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे काली ग्रह से लाया गया और उस मंदिर में स्थापित किया गया दोस्तों। भगवान महावीर की जो 120 मूर्तियां हैं दोस्तों काली ग्रह से लाया गया और यहाँ पे स्थापित किया गया। तो बात करते हैं बालोतरा दोस्तों से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। कौन सा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसे नाकोड़ा नाकोड़ा के जैन मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। मंदिर परिसर के भीतर ही दोस्तों एक धर्मशाला है और यात्रियों की सुविधा के लिए ठहरने की यहाँ पे उत्तम व्यवस्थाएं भी है। बात करते हैं दोस्तों नाकोड़ा जैन टेम्पल की, इस प्रकार यहाँ पे बात करते हैं वो पार्श्वनाथ जी दोस्तों, ये पार्श्वनाथ जी का टेम्पल था यहाँ पे दोस्तों, नाकोड़ा नहीं है, पार्श्वनाथ जी का यहाँ पे टेम्पल था। और बात करते हैं नाकोड़ा, यहाँ पे नाकोड़ा की बात करते हैं तो नाकोड़ा जो 3री शताब्दी का दोस्तों मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार 13वीं शताब्दी में दोस्तों, यहाँ पे आलम शाह ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और लूट किया और मूर्ति चोरी में असफल रहने रहा, क्योंकि ये दोस्तों कुछ मील की दूरी पर यहाँ पे ये छिपी हुई मूर्तियां थी किसी गांव में दोस्तों, यहाँ पे इसी पास के गांव में दोस्तों मंदिर मूर्तियां छिपी हुई थी, इसलिए मूर्तियों को यहाँ पे प्राप्त करने में आलम शाह दोस्तों यहाँ पे सफल नहीं हो सका। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि 15वीं शताब्दी में मूर्तियों को वापस लाएगा और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगा। कुछ इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों नाकोड़ा, दोस्तों यहाँ पे नाकोड़ा की बात होती है, नाकोड़ा जो मंदिर है जैन टेम्पल है कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखता है, जो कहाँ पे है बालोतरा जिले में, वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे बालोतरा जिले में ये नाकोड़ा जैन मंदिर है। थोड़ी सी इसकी यहाँ पे विशेषता दी गई है, 3री शताब्दी में बने, 3री शताब्दी में ये मंदिर बना हुआ दोस्तों। ऑफिशियल आंकड़े हैं दोस्तों, ये राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 3री शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। बात करते हैं 13वीं शताब्दी में आलम शाह ने इस पर आक्रमण किया था और लूट लिया था, मूर्ति चुराने में असफल रहा था, क्योंकि दोस्तों कुछ ही मील दूरी पर यहाँ पे मूर्तियां किसी गांव में छिपी हुई थी, इस कारण से मूर्तियां लूटने में असफल रहा था दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे बालोतरा जिले का यहाँ पे हमने विस्तार देखा और बालोतरा जिले की संरचना, बालोतरा जिले से दोस्तों यहाँ पे बहुत सी चीजें हमने देखी। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बालोतरा में है, बजरंग पशु मेला कहाँ पे सुनदरी बालोतरा में है, और साथ ही बालोतरा शहर जो दोस्तों जोधपुर से बस परिवहन के माध्यम से यहाँ पे रेल परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और साथ यहाँ पे दोस्तों बालोतरा में तहसीलें हैं कौन कौन सी? पचपदरा, कल्याणपुर, छिवाड़ा, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिंदरी, इस प्रकार यहाँ पे। और इसका विस्तार देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे संभागवार स्थिति देखते हैं तो संभाग जोधपुर संभाग में आता है, जबकि दोस्तों जिले को कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिले से सीमा बनाते हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली, जोधपुर पश्चिम से सीमा बनाते हैं। बात करते हैं संभागवार, तो जोधपुर संभाग का ये हिस्सा है और 7 तहसीलें दोस्तों बालोतरा में है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने बालोतरा जिला दर्शन पूरा पढ़ा, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला था। तो यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि दोस्तों आने वाली जिला दर्शन की सीरीज आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त हो सके। दोस्तों रेगुलर में यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस, राजस्थान जिला दर्शन की क्लासेस लेके आता रहता हूँ दोस्तों। तो इसी क्लास में इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों यदि क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आज हम दोस्तों बालोतरा जिला दर्शन संपूर्ण विस्तार एकदम इजीली तरीके से यहाँ पे पढ़ा और दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले क्वेश्चन थे यहाँ से निकल के आने वाले हैं, मतलब दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला जिला दर्शन था दोस्तों। नए जिला दर्शन सीरीज के साथ मिलते हैं नए टॉपिक में, नए जिला दर्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में नए जिला दर्शन सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।